हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे नेहा स्टाइल टिप्स एंड दिस साइड नेहा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, समर आ चुके हैं और समर में हम सबसे ज़्यादा स्लीवलेस पहनना पसंद करते हैं, लेकिन स्लीवलेस पहनने के बहुत सारे कंडीशन होते हैं। अगर हमारे अंडर आर्म्स में ब्लैकनेस की प्रॉब्लम है, अगर हमारे अंडर आर्म स्वेट ज़्यादा करते हैं या उसमें से जो है बैड स्मेल आती है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है स्लीवलेस पहनने से। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है हर लेडीज़ की, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यही आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम अपने अंडर आर्म्स को लाइटन ब्राइटन और बदबूदार अंडर आर्म्स से कैसे छुटकारा पाएं, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइज, इससे पहले भी मैंने एक अंडर आर्म्स पे वीडियो बनाया था जिसपे आप सबका मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ पर आई बटन पर भी दे दूंगी, आप वहाँ से जाके भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे आगे मैं जो भी वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ उसकी नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे पहले। सो गाइज, विदाउट एनी further delay, let's get into the video. अंडर आर्म्स को क्लीन करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम अपने अंडर आर्म को क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर रेज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जिस भी तरह से अपने अंडर आर्म्स के बालों को हटाते हैं, आप उस तरीके से अपने अंडर आर्म को क्लीन कर लें। तो ये देखिए, मैंने इसे क्लीन करके एंड देन मैं इसे वेट क्लोथ से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। जितने भी जो एक्स्ट्रा बाल वहाँ पर लगे हैं वो क्लीन हो जाएंगे। देन जो दूसरा प्रोसेस होता है उसमें हम स्क्रबिंग करते हैं। तो स्क्रबिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है नमक एंड देन मैं उसमें ऐड करूँगी कोलगेट। गाइस, मैंने आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा अंडर आर्म्स वाले, तो उसमें मैंने बेकिंग सोडा और लेमन का इस्तेमाल किया था। तो बहुत से लोगों का उसमें ये कमेंट आया था कि उनको बेकिंग सोडा एंड लेमन से थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर सॉल्ट और कोलगेट का इस्तेमाल किया है। ये दोनों ही आपके अंडर आर्म्स को ब्लैकनेस से दूर करते हैं और आपके अंडर आर्म्स अगर ज़्यादा स्वेटी हैं तो उसे भी बहुत हद तक ये रिड्यूस करते हैं और आपके अंडर आर्म्स में खुशबू लाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसे स्क्रब करना है। तो इस स्क्रब करने का प्रोसेस ये है कि आपको इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके एंड देन आपको इसे लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और फिर यहाँ पर देखिए, मैं वेट क्लोथ ले रही हूँ, उसके बाद आप उसे थोड़ी देर तक स्क्रब करें जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ एंड देन आप उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लें। आपको ज़्यादा हार्ड तरीके से उसे नहीं स्क्रब करना, बहुत ही जेंटली आपको स्क्रब करना है, क्योंकि हमारे अंडर आर्म का जो स्किन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो आपको उसे ज़्यादा हार्श तरीके से यूज़ नहीं करना। देन जो थर्ड प्रोसेस है उसमें हमें अपने अंडर आर्म्स के लिए एक पैक बनाना है। इस पैक को बनाने के लिए सारी जो चीज़ें मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो आपको घर में बहुत ही ईजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट चीज़ मैंने इसमें ऐड की है वो है बेसन। बेसन यहाँ पर आपको 1 टेबल स्पून लेना है। देन उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हनी। हनी भी आपको 1/2 टेबल स्पून के करीब यूज़ करना है। देन इसमें मैंने ऐड किया है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको 1 टेबल स्पून यूज़ करना है। 1/2 पिंच ऑफ हल्दी का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। देन जो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर। जी हाँ, टोमेटो। आपको यहाँ पर टोमेटो को 1/2 उसका जो जूस होता है ना उसे स्क्वीज़ करके इसमें ले लेना है। देन इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसका एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाना है। गाइज, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की है ये आपके अंडर आर्म्स को वाइट और स्वेटी अंडर आर्म्स को दूर करने के लिए और आपके बदबूदार अंडर आर्म्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसे आपको अच्छी तरीके से अपने पूरे अंडर आर्म्स को लगाना है, कवर कर लेना है आपके उस पार्ट को एंड देन आपको इसे 10-15 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है
और फिर आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। गाइज ये जो हनी होता है ना, ये आपके अंडर आर्म्स को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाएगा, ग्लिसरीन आपके अंडर आर्म्स को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अगर वहाँ पर आपके जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उसे वो ख़त्म करेगा। और जो टोमेटो होता है आपके अंडर आर्म्स को अच्छी तरीके से क्लीन और साफ और वाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे लगा कर 10-15 मिनट रखने के बाद मैं इसे वॉश कर लिया है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, मेरे अंडर आर्म्स कितने ज़्यादा वाइट हो चुके हैं और बिल्कुल भी ज़्यादा स्वेटी भी नहीं है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। सो गाइस, इस प्रोसेस को आपको वीक में 2 बार या आप 3 बार भी कर सकते हैं, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। आप इसे जितना यूज़ करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट दिखता जाएगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका क्या क्या ओपिनियन रहा इस DIY को यूज़ करने के बाद वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वीडियो अगर पसंद आई हो या थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मैं फिर आपसे मिलूंगी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।